हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई एक्सेल फाइल है और आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इट मींस आप उसको पीडीएफ में कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना होगा, आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको टॉप में एक मैं आपको सर्च बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको एक वेबसाइट को टाइप कर लेना है, आई लव पीडीएफ। तो उस वेबसाइट का नाम है आई लव पीडीएफ, आई लव या आई लव माई पीडीएफ, ये भी आप टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको टाइप कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको यहाँ टॉप में एक वेबसाइट देखने को मिलेगी, आई लव पीडीएफ। तो आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको 102 बार स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक्सेल टू पीडीएफ। अब जो आपकी एक्सेल फाइल है आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है, एक्सेल टू पीडीएफ पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट एक्सेल फाइल। अब आपके पास जो भी एक्सेल फाइल है वो आपको इस पर क्लिक करके अपनी गैलरी से एक्सेल फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं अपनी गैलरी में आ चुका हूँ। देन इसके बाद यहाँ आपको देखने को मिल रहा है ये वाली मेरी एक्सेल फाइल है, कैन ऐड ईमेल रिप्लाई। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक करा तो आप देख सकते हैं ये अटैच हो चुकी है। देन इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ ये कन्वर्ट टू पीडीएफ पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा लोडिंग होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो मेरी एक्सेल फाइल थी वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो इस पर आप जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे जो आपकी एक्सेल फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये मैंने डाउनलोड कर ली। देन इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ मैं देखता हूँ कि मेरे डाउनलोड हुई है नहीं हुई है। मैं 3 डॉट की लाइन पर जाता हूँ, देन डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मेरी जो एक्सेल फाइल थी वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो आप इस तरीके से किसी भी एक्सेल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।